इस वीडियो में देखेंगे जानेंगे ऑटोमेटिक चेंजओवर स्विच में जो आईएनजी का पॉइंट होता है इसका कनेक्शन कैसे और कहां पे किया जाता है और ये क्या काम करता है। कहीं पे आईएनजी लिखा होता है, किसी ऑटोमेटिक चेंजओवर स्विच के ऊपर स्टॉप लिखा हुआ रहता है, तो ये कहां पे कनेक्शन होता है, यहां से वायर कहां पे ले जाकर कनेक्शन करते हैं और ये कैसे काम करता है और ये क्या काम करता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक गौर से देखिए, सुनिए, समझिए। उसके बाद आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, सवाल है, सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो जैसे कि यह है ऑटोमेटिक चेंजओवर स्विच, अगर इसमें कनेक्शन की बात करें तो यहां पे जो कनेक्टर दिया गया है टीवी, इसमें वायर का कनेक्शन होता है। जैसे यहां वाला जो पॉइंट है, इस साइड लोड का कनेक्शन होता है, चेंजओवर आउटपुट करता है। उसके बाद जहाँ पे मेन लिखा गया है, मेन पावर सप्लाई इनपुट होता है, उसका कनेक्शन होता है। जहाँ पे जेन लिखा गया है, जनरेटर का लाइन इनपुट होता है, वो कनेक्शन होता है। जहाँ पे आईएनजी लिखा गया है, इससे इंजन में कनेक्शन किया जाता है ऑटोमेटिक ऑन ऑफ के लिए या कह सकते हैं ऑफ के लिए। एक चीज़ और हम आपको बतला देना चाहते हैं, अगर आपको ये नहीं मालूम है कि इस ऑटोमेटिक चेंजओवर का कनेक्शन कैसे करते हैं, कैसे लगाते हैं, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उन वीडियो को देख लीजिए। यहाँ पे हम सिर्फ बतलाने वाले हैं आईएनजी का कनेक्शन कैसे होता है, यानी कहीं पे आपको स्टॉप भी लिखा हुआ हो सकता है। यहाँ दो वायर का पॉइंट मैं बतलाने वाला हूँ कि ये दोनों वायर कहाँ पे जा कर के कनेक्शन होता है और ये कैसे काम करता है। यहाँ पे सबसे पहले हम कंटिन्यूटी टेस्टर लेंगे और यहाँ दोनों पिन में हम डालते हैं। ये नॉर्मली ओपन होता है, क्लोज नहीं होता है, यानी शॉर्ट नहीं होता है। जब यहाँ पे लाइन का कनेक्शन हम करते हैं, जब पावर सप्लाई आता है, तब जाके वो आपका क्लोज हो जाता है, एक तरह से शॉर्ट हो जाता है, एक तरह से कह सकते हैं स्विच हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहले हम दोनों कंटिन्यूटी टेस्टर का जो पॉइंट है, पिन है, उसको हम यहाँ पे स्क्रू द्वारा प्रॉपर तरह से कस दे रहे हैं ताकि आपको दिखलाने में हमको प्रॉब्लम नहीं हो और आपको बेहतर तरह से समझ में आए। और वायर को इकट्ठा करके यहाँ पे हम रख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक वायर लेते हैं और ये वायर को हम क्या करेंगे, जहाँ पे मेन हमारा पावर सप्लाई इनपुट होता है वहाँ पे इस दोनों वायर का कनेक्शन करेंगे और यहाँ पे हम आपको पावर सप्लाई देख करके दिखलाएंगे कि ये कैसे काम करता है, किस तरह से शॉर्ट हो जाता है, ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। यहाँ पे दोनों वायर का हम कनेक्शन कर लिए हैं, इस वायर में क्या करेंगे, हम आपको पावर सप्लाई इनपुट दे करके दिखलाएंगे। इसके अंदर टू पिन टॉप हम लगाए हुए हैं, हम क्या करेंगे, एक बोर्ड के अंदर, यहाँ पे हम बोर्ड लेते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम स्विच ऑन करेंगे तो आप ध्यान दीजिए, जैसे स्विच ऑन किए तो हमारा कंटिन्यूटी टेस्टर भी जल रहा है। जैसे आप यहाँ पे सुनेंगे तो कट कट का भी आवाज़ आता है, यानी एक तरह से ये स्विच हो जाता है, इस तरह से ये काम करता है। जब लाइन आ गया तो ये समझिए एक स्विच है, ऑन हो जाता है और ये कमांड दे देता है कि आपको इंजन जो डीजी रहता है वो बंद हो जाए, या आप जनरेटर के अंदर ही पीसीबी लगाए हुए हैं तो वो यहाँ पे कमांड देता है कि हाँ बंद कर देना है। किसी स्विच को ऑन करेंगे तभी उसके अंदर पावर जाएगा, ये एक तरह का स्विच होता है यहाँ पे। अब चलिए क्या करता है, यहाँ पे वायर को हम खोल लेते हैं और उसके बाद एक चीज़ आपको दिखलाते हैं। अगर यही वायर यानी यही पावर सप्लाई अगर हम जनरेटर के साइड देंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, जैसे यहाँ पे टच किए तो कुछ नहीं होगा। अगर आप गौर से ध्यान से देखेंगे तो जो ऑटोमेटिक चेंजओवर में JEN यानी जनरेटर का जो इंडिकेटर दिया गया है ग्रीन कलर का, वही थोड़ा सा जलेगा। थोड़ा सा आपको साफ नहीं समझ में आ रहा होगा क्योंकि रोशनी में हम हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो थोड़ा सा वो विलिंग करे, यानी थोड़ा सा जल रहा है, लेकिन उस साइड जो स्विच है हमारा आईएनजी का वो शॉर्ट नहीं होगा। अगर लाइन में देंगे तो शॉर्ट हो जाएगा, यानी स्विच ऑन हो जाएगा, यानी दोनों पॉइंट आपस में शॉर्ट हो जाता है, वो चीज़ कहते हैं ऑन हो जाना यानी कमांड कर देना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम कंटिन्यूटी टेस्टर को भी हटा देते हैं और इसके अंदर दो वायर लेकर के कनेक्शन करते हैं और ये वायर कहाँ पे कनेक्शन होता है वो हम आपको बतलाते हैं। ये जो वायर का mm साइज होगा, 1 mm 0.75 mm का वायर यूज कर सकते हैं, मात्र एक स्विच का ये काम करता है। तो यहाँ पे दो वायर कनेक्शन कर लेना है, सबसे साइड में होता है आईएनजी या स्टॉप लिखा हुआ हो सकता है, और इस दोनों वायर को लेकर के हमें चलना है डीजी में, और डीजी में कहाँ कनेक्शन होगा वो हम आपको बतलाते हैं। अब जैसे कि ये हमारा डीजी है और इस डीजी में अगर आप देखेंगे तो बाहर एक इमरजेंसी स्टॉप का स्विच लगा हुआ रहता है जो हर आपको डीजी में मिल जाएगा।
तो ये इमरजेंसी स्टॉप का मतलब होता है, इस स्विच को अगर आप दबा दीजिए तो जनरेटर आपका बंद हो जाता है। चलिए सबसे पहले डोर हम यहाँ पे ओपन करते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे तो मात्र इसके अंदर दो वायर का कनेक्शन किया गया रहता है स्विच के अंदर। और भी वायर होता है, लाइट के लिए रहता है, लेकिन बहुत से जगह पे आप जाएंगे कुछ ऐसे डीजी मिलेंगे जो लाइट के लिए, जैसे ये वायर है इसके अंदर लाइट है उसके लिए है, जो जनरली बहुत से जगह पे आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे येलो और जो ब्लू है ये दो ही वायर है इसका मेन पॉइंट यानी मेन कनेक्शन का, जो और वायर है वो नहीं है। तो यहाँ पे ब्लू और येलो हो गया हमारा। अब इस वायर को हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपको खोलते हैं और चेक करके दिखलाते हैं ये कैसे काम करता है। जैसे स्क्रू ड्राइवर हम यहाँ पे लिए हैं, यहाँ पे दोनों वायर को हम निकाल लेंगे। सबसे पहले ब्लू वाले को हम यहाँ पे खोल रहे हैं, इस तरह से खोल लेंगे और ये वायर निकल गया। उसी तरह से क्या करेंगे, ऊपर वाले को खोलेंगे और खोलने के बाद इसमें कंटिन्यूटी टेस्टर का कनेक्शन हम कर देंगे। कंटिन्यूटी टेस्टर का दोनों पॉइंट जो होता है इस तरह से हम लगा दिए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो स्विच है, चलिए हम उसे पुश करते हैं यानी उसे दबाते हैं। जब हम दबाते हैं तो हमारा डीजी बंद हो जाता है, ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे दबा देंगे। चलिए इस तरह से दबा दिए, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो हमारा कंटिन्यूटी टेस्टर जल गया, यानी ये भी एक स्विच है। जब इसे दबा देंगे तो आपका ऑन हो जाएगा, और जब इस तरह से मूव करना होगा जब खोलने के समय, यानी नचा करके ही ये ओपन होता है, तो ये ऑफ हो जाएगा। फिर इसे हम दबा देंगे तो यहाँ पे ऑन हो जाएगा। और इसे फिर ऑफ़ करने के लिए क्या करेंगे, पुश बटन को थोड़ा सा राइट के साइड हमें मूव करना होता है, घुमाना होता है, एरो भी दिया गया है इसके ऊपर, जैसे इस तरह से, तो ये ऑफ हो गया। यहाँ पे अगर हम ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच का जो ING का दो वायर है उसे लेकर के आते हैं, येलो और ब्लू में कनेक्शन कर देते हैं, जोड़ देते हैं, या यहीं पे लूपिंग कर देते हैं और यहीं पे जो पुश बटन का है उसके अंदर डाल देते हैं, तो सिर्फ हमारा जनरेटर बंद होगा। ऑन करने के लिए मैनुअल स्टार्ट करना होगा, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पावर सप्लाई आए और ऑटोमेटिक जनरेटर बंद हो जाए, और पावर सप्लाई जैसे कट जाए चली जाए तो ऑटोमेटिक आपका जनरेटर स्टार्ट हो जाए, यानी ऑटोमेटिक डीजी ऑन ऑफ हो, पावर सप्लाई रहने पे ऑफ हो जाए, पावर सप्लाई नहीं रहने पे ऑन हो जाए, तो उसके लिए आपको एक किट बनाना होगा, एक तरह से कह सकते हैं पैनल बनाना होगा, जिसमें आपका कंडक्टर यूज हो सकता है। अगर कंडक्टर नहीं लगाना चाहते हैं तो रिले यूज करना होगा और बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज करना होगा। अब क्या है, जनरली ये चीज़ नहीं बनाना पड़ रहा है क्योंकि ऑटोमेटिक कंट्रोल ऑन ऑफ स्टार्टर पैनल या LVM पैनल मार्केट में आ जाता है, तो हम लोग को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। लेकिन जहाँ पे नहीं आता है, पहले जनरली यही होता था कि बना करके लगाना पड़ता था, लेकिन अब रेडीमेड आ जा रहा है तो हम लोग को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, हम लोग डायरेक्टली लगा दे रहे हैं। अगर कहीं पे मुझे बना करके लगाना पड़ा तो उस टाइम पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे इस डीजी में हमने ऑटोमेटिक LVM पैनल लगाया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे कनेक्शन भी नहीं करेंगे। तो चलिए हम आपको दिखला देते हैं कि जो हमने यहाँ पे लगाया हुआ है LVM पैनल वो कौन सा है, और उसका वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ है। अगर आपको नहीं मालूम है, नहीं देखे हुए हैं, तो ज़रूर देखिए, मेरे चैनल में जाकर विजिट कीजिए, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप तो ये है हमारा LVM पैनल, और इसे कह सकते हैं स्टार्टर ऑटोमेटिक ऑन ऑफ कंट्रोल पैनल भी कह सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर LVM इसलिए कहा जाता है, सिर्फ LVM मीटर रहता है और कुछ नहीं रहता है। इसमें किस तरह से कनेक्शन करते हैं, कितना वायर जाता है, किस तरह से काम करता है, फुल A to Z हम बतलाए हुए हैं। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, क्योंकि अब जनरली हर जगह पर यही मिलेगा आपको लगाने के लिए और कनेक्शन करने के लिए। अब चलिए कुछ बातें और हैं जो आपको मैं बता देता हूँ, और आपको जानकारी रखना चाहिए, क्योंकि अगर जानकारी रहेगा तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, कभी सामने आ गया तो दिक्कत नहीं होगा। अगर ये पुश बटन जैसे अगर प्रेस कर दिया गया है, दबा दिया गया है, जैसे यहाँ पे आपने वायर का कनेक्शन कर दिया है, पावर सप्लाई है, यानी वहाँ से स्विच ऑन हो गया है यानी शॉर्ट है, तो यहाँ पर एक इंडिकेटर ब्लिंक करता है। जैसे चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसे हम दबा देते हैं, दबा दिए, उसके बाद चलिए हम क्या करेंगे, देखेंगे मीटर में, तो एक इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है, ठीक है।
क्योंकि ये उसी टाइम ब्लिंक करेगा जब पुश बटन दबाया हुआ हो या ऑटोमेटिक चेंज ओवर का वायर जो आईएनजी या स्टॉप का है उसे लेकर के आकर के कनेक्शन किए हैं और पावर सप्लाई उसमें है, उस टाइम पे ये ब्लिंक करता है। अगर वहीं पे ये स्विच को हम ऑफ कर देते हैं या ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच से कनेक्शन किए हैं पावर कट जाता है तो उस टाइम पे यहाँ पे इंडिकेटर ब्लिंक करना छोड़ देगा, यानी ब्लिंक नहीं करेगा। और भी तरह के प्रॉब्लम आते हैं, कभी क्या होता है डायरेक्ट भी जलता है, जैसे यहाँ पे चलिए हम एक बार दबा देते हैं इसे, ये दबा दिए, उसके बाद हम चलेंगे तो देखेंगे तो ये क्या होगा। यहाँ पे आप अच्छी तरह से देखिए, जैसे ये जल रहा है, ब्लिंक नहीं कर रहा है, ये भी चीज़ होता है। अगर छुड़ा देते हैं तो कभी कभी जलते रह जाता है, जैसे यहाँ पे क्या करेंगे हम इस तरह से कर देते हैं, अगर पावर सप्लाई कट भी गया चेंज ओवर से तो भी ये जलते रहेगा। तो उस पीरियड में क्या करना होगा आपको, इसको जो स्विच है कंट्रोल स्विच उसको ऑफ करना होगा। जैसे यहाँ पे कंट्रोल स्विच है ना फर्स्ट में, इसको क्या करेंगे ऑफ कर देंगे, फिर उसके बाद ऑन करेंगे और मैनुअल तरीके से ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखे होंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा ऑटोमेटिक चेंज ओवर का आईएनजी पॉइंट या स्टॉप कहीं पे लिखा गया है, वहाँ का जो वायर होता है वो कहाँ पे कनेक्शन होता है और कैसे वो काम करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, सवाल है, सुझाव है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।